मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत की याचिका पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से भी पूजा सिंघल को राहत मिलती है या नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों का सामना कर रही झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अपनी जमानत को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 3 नवंबर 2022 को आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पूजा सिंघल को जमानत देने के लिए बचाव पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों में से एक भी दलील ऐसी नहीं है जिसके आधार पर पूजा सिंघल को जमानत दे दी जाए। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जाती है। ईडी की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई थी और अब झारखंड हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई है। हाई कोर्ट में जमानत देने के लिए पूजा सिंघल की ओर से बीमारियों का हवाला दिया गया था। यह भी दलील दी गई थी कि ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो हाजिर हो जाएंगी। ऐसे में ईडी की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन है, इसका प्रत्यक्ष कोई भी प्रमाण नहीं है। ऐसे में पूजा सिंघल को आज जमानत मिलेगी नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। किसी भी आरोपी को जमानत तब मिलती है जब जांच पूरी हो चुकी होती है या अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। किसी भी मामले में पूजा सिंघल को अब जमानत मिले इसकी कम ही उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में जो सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि पूजा सिंघल को अब भी अपनी रातें जेल की काल कोठरी में ही बितानी पड़ेगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।